नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज विजयदशमी का दिन है, दशहरा का दिन है, सब तरफ रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है, पर्व का माहौल है और अनवरत रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का, अंधेरे पर प्रकाश का और दुर्गुणों पर सद्गुणों की जीत का ये पर्व है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यदि हम जाएं तो विश्व विजेता रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का ये युद्ध का आज का दिन आखिरी दिन था और आज सद्गुणी जो शक्तियां थी उनकी आसुरी शक्तियों के ऊपर विजय का ये दिन था। तो इतिहास पुरुष दोनों ही हैं, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम है अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी और दूसरी तरफ आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले रावण। यदि हम इतिहास को खंगालते हैं तो पता लगता है कि रावण का असली नाम रावण नहीं था, नाम कुछ और था। लेकिन हम आप सब इस व्यक्ति को रावण के नाम से जानते हैं और बाद के जो युग आए और रामायण के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई, यदि हम रामायण की बात करें, यदि इस युद्ध की और युद्ध के आसपास के वातावरण की और तत्कालीन समय की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है वो वाल्मीकि रामायण है। अब ये बात अलग है कि वाल्मीकि रामायण में भी कुछ भक्ति प्रेरित जो चीज़ें आई हैं वो उसमें भी हैं। तो वाल्मीकि का ज़्यादातर जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर एक तरफ भगवान से प्रभावित होकर नहीं लिखा गया है, इतिहास पुरुष की तरह लिखा गया है। क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं तो फिर आपका जो लेखन है वो कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द घूम जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस है वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ऐसा भी माना जाता है कि भक्ति काल में जिस तरह से ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे बाकी ग्रंथों के ऊपर भी असर आया है और जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो दूसरे किस्म के भी बने हैं। तो वाल्मीकि रामायण की ही हम यहाँ बात करना चाहेंगे क्योंकि तुलसीकृत जो रामचरित मानस है वो अव्वल तो रामायण नहीं कही जा सकती, वो रामचरित मानस है, तो राम का चरित्र है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि राम का चरित्र, और गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि मेरे लिए राम जो हैं वो भगवान हैं और मैं उनका भक्त हूं, वो मेरे इष्ट हैं। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, गुरु कहते हैं। तो और उनके बारे में कहा भी जाता है कि हनुमान जी उनको दर्शन देते थे। हनुमान बाहु की रचना भी इसी प्रकार हुई कि हाथ में दर्द हुआ, भुजा में दर्द हुआ, तो गोस्वामी जी ने हनुमान बाहु लिखी। तो इस तरह से भी ये बात आती है कि हनुमान जी उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। क्योंकि हनुमान जी को यदि हम देखते हैं, उनका जो चरित्र देखते हैं और जिस तरह से गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं तो उसमें वो हनुमान जी भी रामचंद्र जी को भगवान मान रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है उसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है वो इतिहास की तरफ है और हमारे दो जो ग्रंथ हैं, दो जो जिनको हम हमारे पूरे वाङ्मय की दृष्टि से देखते हैं तो वेद, वेदांग, ये जो आती है श्रृंखला, इसमें रामायण और महाभारत जो हैं वो इतिहास ग्रंथ हैं। तो रामायण, यदि वाल्मीकि रामायण की बात करें तो यहाँ पर जो बात समझ में आती है वो ये है कि इस युद्ध में रावण का नाम जो था वो प्रतीकात्मक रूप से रावण का नाम लिया गया। अब ये कोई और वजह हो सकती है, इसके ऊपर लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है कि वाल्मीकि जी ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि ये जो नाम आ रहा है इसका मूल कुछ और है। रावण जो शब्द है इसका मूल कुछ और है और नाम जो होना चाहिए, अब दशानन भी कहा है, दशग्रीव भी कहा गया है, लेकिन यह भी
कुछ और कहानी है। तो सबसे पहले तो ये कि दशानन या रावण ये नाम नहीं है, एक कोई जिसको हम इटिमोलॉजी कहते हैं उस तरह का मसला है। तो ये जो दिन है ये ठीक है, नाम में हम बाद में जाएंगे और इसके ऊपर हम चाह तो ये रहे हैं कि अलग से प्रोग्राम्स भी बनाएं और ये जो सारी स्थितियां इनको सामने भी लाएं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। तो आज चूंकि प्रसंग है और प्रसंगवश हम इस चर्चा को छेड़ रहे हैं आगे के लिए। अब बात यहाँ हनुमान जी की भी आती है और भक्ति युग में भक्ति काल में हनुमान जी की भी पूंछ लगा दी जाती है जो आज तक चली आ रही है, जबकि हनुमान जी का पूंछ से कोई लेना देना नहीं। वनवासी होना एक अलग बात है और यदि हम दंडकारण्य की बात करें, भारत का यदि हम नक्शा देखते हैं तो महाराष्ट्र आधा नीचे का, साउथ का, उससे नीचे का जो भाग है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो आजकल छत्तीसगढ़ में भी हैं और आंध्रा से जो लगे हुए इलाके हैं वो, फिर आंध्रा और कर्नाटका, ये जो एरिया है जो कि बाद में रेड लाइन का इलाका बना, नक्सलाइट इलाका बना, ये वनवासी इलाका कहा जाता है। और आज भी शबरी माता के वहाँ बस्तर में जो है वहाँ स्थान भी हैं और उनके लोग ये मानते भी हैं कि वो माता शबरी के वंशजी हैं। तो ये दंडकारण्य का जो इलाका था जहाँ पर ये जो रावण के जो लोग थे, अब बात यहाँ ये और है कि ये एक श्रृंखला बन गई थी कि विस्तार की, और रावण विश्व विजेता हो चुका था, रावण सप्तद्वीपाधिपति कहा गया है, बहुत ही अविश्वसनीय योद्धा था वो ही नहीं, हम यहां बात उसके अकेले की नहीं कर रहे हैं, एक राजा के तौर पर, कमांडर के तौर पर, बाकी तो सेनाएं लड़ती हैं। अब चूंकि रावण का ननिहाल जो था वो बहुत वीर लोगों का था, पृथ्वी को कई बार उन्होंने हिलाया है उनके ननिहाल वालों ने, तो रावण का ननिहाल, और फिर रावण के साथ में उनके पिता से, उनके दादा से जो विरासत मिली वो लोग भी थे, कुबेर जो थे वो, कुबेर को उन्होंने हरा दिया था इन दोनों ताकतों ने मिलकर। तो रावण की जो माँ थी उसका जो दृष्टिकोण था वो कुछ और था, और कुबेर की जो माँ थी उनका दृष्टिकोण कुछ और था। तो यहाँ ये युद्ध की एक भूमिका है। ये जो इलाका है दंडकारण्य का, इसमें ये लोग आ रहे थे और यहाँ पर खरदूषण और शूर्पणखा, जिसके पति का रावण ने वध किया था, ये वो अलग कहानी है, लेकिन ये जो इलाका है ये इन लोगों के कब्जे में आ गया था। और यहाँ पर इन शक्तियों ने जो यहाँ पर स्थापित जो नियम कायदे थे उनको तोड़कर अपने नियम कायदे लागू करने का काम शुरू कर दिया था। एक कल्चरल डिफरेंस था असल में। तो यहाँ इनका कब्जा हुआ, फिर यहाँ से युद्ध की एक भूमिका बनी और हनुमान जी और उनके पिता का, बाली जो थे उनके साम्राज्य से उनका एफिलेशन था, बाली महाराजा, हनुमान जी का जो परिवार था वो राजाओं की उपाधि, सामंतों की उपाधि वाला था। अब ऐसे में हनुमान जी के पूंछ लगा देना, जबकि वाल्मीकि रामायण को आप थोड़ा सा दृष्टिगत रखेंगे तो ये बात कम समझ में आती है कि क्यों ऐसा किया गया होगा। असल में जो शब्द है उसकी परिभाषा का फर्क है, लांगुल शब्द है, वहां से इसका सारा खेल चलता है। तो लांगुल वस्त्र विन्यास का मसला है और लांग, यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो धोती पहनने वाले जो लोग हैं, जो साउथ की धोती अलग है, साउथ की धोती में लांग नहीं है। ये जो इलाका है महाराष्ट्र का, आप देखिए महाराष्ट्र में महिलाएं भी लांग पहनती हैं धोती में, तो वो लांग चढ़ा लेती हैं ऊपर, ये मसला है। तो वो पूंछ इसको यूं लेकर आए हैं, और बाद में तो मंदिरों में पूंछ वाले ही भगवान हनुमान जी हो रहे हैं। 700-800 साल का ये पीरियड है, 100 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अभी तो 75 साल हुए हैं ब्रिटिश हुकूमत, उसके पहले 150 साल, 150-200 साल हुए हैं जब इस्लाम की हुकूमत थी यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। पर्शियन आ गई थी भारत में, फिर इंग्लिश आ गई,
साउथ के कुछ इलाकों में आज भी पुर्तगुज है, टच है, फ्रेंच भाषा है, असर है, आज भी है। तो ये चेंज आता है सब। तो दोनों नामों में रावण और हनुमान जी के पूंछ वाले मामले में रावण के नाम में। अब एक और बात आती है कि रावण को लेकर कई तरह की बातें हमारे यहाँ होती है। रावण ब्राह्मण था, प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण कौन नहीं था? यदि रावण को हम ब्राह्मण मानते हैं और ये कहते हैं कि वो उस परंपरा से आते हैं, तो पौलस्त्य परंपरा से आते हैं, पौलस्त्य प्रजापति थे। और भगवान राम किससे आते हैं? भगवान राम कश्यप प्रजापति से आते हैं। तो कौन क्षत्रिय और कौन ब्राह्मण? ये तो सब प्रजापतियों के संतान हुई ना, तो फिर तो राम भी ब्राह्मण हुए। तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको भी देखना चाहिए। ये जो विभेद है, क्षत्रिय होना एक अलग बात है। और क्षत्रिय ये लोग भी तो क्षात्र धर्म का पालन कर रहे थे। वयम रक्षामा कहता था रावण, क्योंकि राक्षसी जो संस्कृति थी वो थे ही राक्षस, रक्षा करने का ही काम था प्रजापतियों के समय में। यक्ष और रक्ष दो संस्कृतियां थी। यक्ष का मतलब है भरण पोषण करना, कुबेर का काम था। कुबेर यक्षों के अधिपति थे, उनका काम था प्रजा जो है उसको अन्न धान्य से पूरित करना, और सैन्य रक्षाओं का मामला रक्ष संस्कृति से। तो रावण का जो आप वर्णन पढ़ते हैं तो वो अपने कुठार से यही तो कहता है कि मैं उस संस्कृति से हूं। वो अपने पिता की और अपने दादा की संस्कृति नहीं ला रहा था, वो अपने ननियाल की संस्कृति ला रहा था। वयम रक्षा में हम रक्षा करते हैं। और इसके हेड इस उन्वान से, इस शीर्षक से किताब आचार्य चतुर्सेन ने भी लिखी है। जबकि ये राक्षसी जो संस्कृति है, रक्ष जो है, शब्द जो रक्ष है, रक्षण करने वाला राक्षस कहलाया। अब हम उसको उल्टा लेते हैं। तो बहरहाल यहां पर जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये कि जो संस्कृति वो थी वो खतरनाक थी, ये बात सच है। रावण के बारे में बहुत बातें और भी हैं, कभी और करेंगे, लेकिन एक बात हम यहां कहना चाहते हैं कि रावण बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और हमला जब वो करता था तो इतना दुर्दांत हमला होता था उसका, इतना विभत्स हमला होता था कि दुश्मन टिक नहीं पाता। और वो इस तरह से गाज गिराता था, इस तरह की गर्जना करता था कि पुरुष ढहल जाते थे, और पुरुष को खत्म करने के बाद महिलाओं और बच्चों को अगवा करता था। और उसके उस डर से सेनाएं आत्मसमर्पण कर देती। अब रेलेवेंस है यहां पर, इज़राइल के ऊपर जो कुछ हुआ है वो इसी तरह की एक्टिविटी है, और आज से नहीं है। अभी लोग कह रहे हैं कि हमास का इस्लाम से लेना देना नहीं है। अब ठीक है, लेना देना तो नहीं है, लेकिन रवायत तो है। ये जो इजरायली कब्जे में 6 हमास के आतंकी जो जिंदा पकड़े गए हैं, इनके यदि हम इंटरोगेशन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये जो कहना है कि इस्लाम से लेना देना नहीं है, मजहब से कोई लेना देना नहीं है, आतंक का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, आतंक नहीं सिखाता है इस्लाम, या मजहब आतंक नहीं सिखाता है, या कि इस्लाम इट्स रिलीजन ऑफ पीस, ये जो बातें चलती हैं इसमें बहुत सारे समय में लगातार कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं। और वो कॉन्ट्राडिक्शन ले जाकर वहीं पॉइंट आउट करते हैं, वो ठीक है कि यूरोप में और अमेरिका में इन शक्तियों ने इस्लामोफोबिया का एक बना लिया है, वहां आप कुछ नहीं कह सकते, और भारत में तो आप वैसे ही नहीं कह सकते, भारत में तो सिर तन से जुदा वैसे ही कर दिए जाते हैं। वहां तो चूंकि कानून की पालना होती है इसलिए सरकार कानून लाई है, यहां तो कानून की जरूरत नहीं है, यहां तो दंदना थे वैसे ही घूमते हैं। और फिर यहां के कोर्ट्स और यहां की सरकार, अभी तो कानून नहीं है इस्लामोफोबिया को लेकर, लेकिन आ जाएगा कि भैया इस तरह की बात मत करो, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना। तो फिर इतने सालों से हो क्या रहा है? तो ये हमास के 6 लड़ाकों की कहानी जो सामने आई है, इसमें अब कम्युनिस्ट जो राइटर्स हैं, कम्युनिस्ट जो लेखनकर्ता हैं, कम्युनिस्ट जो जर्नलिस्ट हैं, जो थर्ड फ्रंट के हैं, वो इस तरह की बातें ला रहे हैं कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। अभी तक तो कोई ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन
पता नहीं कोई गिल्ट होती है मन में तो ऐसी बातें की जाती हैं, जबकि अभी तो ये इसराइल का और हमास का मामला चल रहा है, लेकिन इसमें इस्लाम को लाया जा रहा है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने भी आज बयान दिया है कि गाजा में जो इसराइल की कार्रवाई है उससे बहुत स्थितियां खराब होंगी। हालांकि उन्होंने बाद में अपने अमेरिका में ऐसी बातें चलती नहीं, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि हमास का अंत जरूरी है और हमास को आतंकी संगठन भी उन्होंने करार दिया है। लेकिन बहरहाल हमास यदि आतंकी संगठन है तो फिर हिजबुल्ला क्या है, आईएसआईएस क्या है, लश्कर ए तैयबा क्या है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की नींव क्या है, बांग्लादेश जो आज है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये वैसे की वैसी कहानियां हैं जो आज गाजा में चल रही। अब लोग कह रहे हैं कि फलस्तीनियों की लड़ाई है, अब फलस्तीनी टाइटल से लोग आ रहे हैं। तो लेबनान में क्या हुआ था, लेबनान में तो फलस्तीनी नहीं थी, वहां तो जूस थे, क्रिश्चियंस थे, बैरूत था, जगमगाता शहर था, आज खंडर है, भुखमरी है। तो करते क्या है, यही काम होता है। रावण के लंका के बारे में यदि हम बात करते हैं तो लंका सुनहरी लंका थी, सोने की लंका थी, लेकिन प्रजा का हाल बहुत बुरा था, ये बात ध्यान रखने की है। और यदि हम इस इंटरोगेशन की बात करते हैं तो इंटरोगेशन में आप सुनिए, छह लड़ाके हैं, छह आतंकी हैं, क्या कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं, इस पॉइंट को क्यों लाया जा रहा है ये देखने वाली बात है। लेकिन यदि नाम देखते हैं, नाम क्या है, आतंकी नंबर वन जिहाद मोहम्मद हमायदा, जिहाद पहले से ही है। तो जिहाद किस बात का है, गाजा को खाली कराना है इजराइल से और फलस्तीनियों को काबिज कराना है, तो फलस्तीनियों के नाम पर लड़ाई है, सपोर्ट आ रहा है मुस्लिम कंट्रीज से, इस्लाम के नाम पर पूरी लड़ाई है, जिहाद का कॉल है, जिहाद के वचन के साथ हमला है। हमला करने से पहले क्या हुआ जरा देखिए। अब ये आतंकी ये कहते हैं कि क्या इस्लाम में लोगों को मारने की इजाजत है, तो ये कहता है कि प्रॉफेट ने कहा था कभी किसी औरत और बच्चे को मत मारना। तो प्रॉफेट का इलस्ट्रेशन है, उदाहरण है, वहां क्या हो रहा है, ये जब जाते हैं तो इन्होंने पुरुषों को मारा है, औरतों को और बच्चों को अगवा किया है। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा करना जायज है, तो प्रॉफेट ने कहा था कि पुरुषों को मारो और औरतों और बच्चों को मत मारो। क्लियर, एक आतंकी, छह की छह में यही कहानियां हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कहां से हैं, प्रॉफेट से। तो फिर फलिस्तीन की लड़ाई कहां से शुरू हुई, शुरुआती जिहाद से, शुरुआती जंगों से, वही अनवरत रूप से क्रम चल रहा है। समझने जैसी बात यह है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह का काम कैसे चल पाएगा। नेशन स्टेट की थ्योरी है। अब फलिस्तीन का मामला अलग है, फलिस्तीन को यदि ये बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज इर्द गिर्द के ये यदि सल्ताना चाहें इसको तो सल्ता सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाकर सल्ताया है। इसराइल जो बना है ये उस वक्त इस्लाम की धरती नहीं थी, इसको ब्रिटिश लोगों ने जीत लिया था, इस पूरी धरती। आज सऊदी अरब वगैरह जो है ये ब्रिटिश लोगों की मेहरबानी से इन लोगों के पास में है। टर्की की जो कैलिफेट थी वो तो अंग्रेज जीत चुका था, तो अंग्रेज के हिस्से में जो आ गई थी जमीनें वो इसराइल को मिली और पैलेस्टाइन को मिली, पैलेस्टाइनी जो लोग थे वो इस इलाके के जो लोग रहने वाले हैं, और बाकी के मक्का मदीना का जो मसला है ये तक कब्जे में था उनके। तो कोई ये दावा करता है यदि तो वो गलत है, ब्रिटिश लोगों की देन है ये जमीन, उन्होंने दी है इसराइलियों को कि आओ आप बसो रहो अपने देश में। तो झगड़ा क्या है ये, यदि यही जो मुस्लिम देश है हथियार देना, गोला बारूद देना बंद करें और वहां के लोगों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, इस खंडर होती हुई इस पूरी सरजमी को यदि विकास की गति दे दी जाए, दुबई जैसी स्थिति बना दी जाए, तो देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता, फिर जिहाद कम हो। लेकिन इसका इनमें जो इंटरेस्ट है, चाहे वो ईरान हो और चाहे यूएई हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे कतर हो,
इसमें इंटरेस्ट क्लैश किए हुए हैं सब। तो यहां मजहब को लाना गलत है। ये रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं लोग कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है हमास का, ये आप क्यों कह रहे हैं, क्यों बीच बचाव कर रहे हैं? लेट देम डू। हमास का तो नारा है कि हम जिहाद पर हैं, हिजबुल्लाह का नारा है कि हम जिहाद पर हैं, तालिबान क्या कर रहा है, अलकायदा क्या कहता है, अलकायदा कहां का कायदा चाहता है, इस्लाम का इस्लामिक कायदा चाहता है पूरी दुनिया पर, तो आप क्या डिफेंस में आ रहे हैं? जो चल रहा है वो चलेगा। और ये जंग इजराइल की और फलस्तीनी की नहीं है, ये जंग इजराइल की और बाकी मुस्लिम देशों की है। और ये बात 1973 में दुनिया देख चुकी है, आगे भी हो सकता है कि आगामी दिनों में देखा जाए, देखने को मिल जाए। तो ये इस तरह का मसला है। आज पुनः एक बार आपको विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और कामना ये कि ईश्वर आपके जीवन में अंधेरा मिटाए, उजाला लाए, खुशियां लाए और दुखों को दूर करे। ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।